हाउ टू सेटअप योर वर्डप्रेस ब्लॉग, ये वर्डप्रेस के अंदर कैसे अपने ब्लॉग को सेटअप करें। तो दोस्तों व्हाट आई मीन टू से कि ब्लॉग और वेबसाइट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एटलीस्ट आप रेगुलर बेसिस पे वीकली एक ब्लॉग तो मिनिमम पोस्ट करिए, अगर पॉसिबल होगा तो वीकली ट्वाइस आप ब्लॉग पोस्ट करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आर आर डिजिटल सूत्रा की यूट्यूब चैनल में, जहां पे आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूं हाउ टू सेटअप योर वर्डप्रेस ब्लॉग, ये वर्डप्रेस के अंदर कैसे अपने ब्लॉग को सेटअप करें। तो मैं आप लोग को पहले थ्योरीज में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं प्रैक्टिकली भी दूसरी वीडियोस में आपको प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा कैसे अपने वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग को सेटअप किया जाता है। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें, सुने और जो भी सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम पे आप भी वर्डप्रेस के अंदर एक ब्लॉग सेटअप करके ग्रो कर पाए, पैसा कमा पाए ब्लॉग के थ्रू मेहनत करके। तो दोस्तों पहले समझते हैं एक्चुअल में ब्लॉग क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ब्लॉग को कैसे आप बना सकते हैं और फिर उसको कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। ये तीन स्टेप में मैं ब्रेक डाउन करके आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ। तो पहला स्टेप में समझते हैं कि एक्चुअल में ब्लॉग क्या होता है। अगर आप एक ब्लॉग की बात करें तो आपके पास एक वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक वेबसाइट नहीं बनाएंगे, डेट इज़ ए काइंड ऑफ ब्लॉग, मतलब आपको जो ब्लॉग बनाना है इस काइंड ऑफ वेबसाइट ही है। क्योंकि आप जब एक ब्लॉग को बनाते हैं आप एक को डोमेन परचेस करना पड़ेगा, सेम एक वेबसाइट, आपके पास होस्टिंग भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको होस्टिंग नहीं होगा तो आप ब्लॉग को रन नहीं कर सकते। तो दोस्तों व्हाट आई मीन टू से कि ब्लॉग और वेबसाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि वेबसाइट के अंदर आपको क्या करना है कि वेबसाइट की तरीके से आपको काम करना है, ब्लॉग के अंदर क्या करना है आपको ब्लॉग की तरीके से काम करना है। तो मेनली क्या है, अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं या ब्लॉग बनाते हैं वो सिमिलर ही रहता है। तो ब्लॉग के अंदर क्या होता है, एज यूजुअली हम एक डोमेन होस्टिंग परचेज करने के बाद उसको एक कस्टमाइज वे में हम वर्डप्रेस की जो सॉफ्टवेयर होता है, जो थीम होता है, उसको हम इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर के थ्रू, होस्टिंग के थ्रू। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पे हम अपनी ब्लॉग को कस्टमाइज करते हैं और कस्टमाइज करके हम उस ब्लॉग को डिज़ाइन करते हैं कि कैसे हमारे नीड है, वहाँ पे क्या क्या रखना है, होम पेज रखना है, अबाउट अस रखना है, सर्विसेज का पेज रखना है ब्लॉग के अंदर। अगर आप ब्लॉग के अंदर सर्विसेज पेज रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं, अगर सर्विसेज नहीं रखना चाहते तो कॉन्टेक्ट अस का पेज रख सकते हैं, या कुछ कैटेगराइज करके आप कुछ कैटेगराइज का पेजेस को बना सकते हैं। तो ये रहा कुछ ब्लॉग की बातें, जो आपका हेडर होना है, फुटर होना है, मिडिल का कुछ सेक्शंस होना है, और ये सारे सेक्शंस अगर आप एलिमेंट्स के थ्रू बनाते हैं, एलिमेंट्स एक टूल्स होता है, अगर आप उसके थ्रू बनाते हैं तो ये बहुत अच्छे से और बेटर तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं और उसको बढ़िया तरीके से वर्डप्रेस के अंदर एक ब्लॉग को बना सकते हैं। एक बार आपका ब्लॉग कंप्लीट हो गया फिर हम सेकेंड स्टेप में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपको ब्लॉग को बनाना है। तो दोस्तों सेकेंड स्टेप में बात करते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप में मैंने ब्लॉग की बातें कहा कि ब्लॉग कैसे आपको सेटअप करना है, जहां पे होम, अबाउट अस, पेजेस, सारे चीजें, अपने हेडर, फुटर सबका ध्यान रखा। और सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, उस ब्लॉग के अंदर ऐसी कौन सी कंटेंट को हमें रखना है, कौन से नीश को पकड़ना है। कंटेंट क्या होता है दोस्तों, कंटेंट वो होता है जो आप उसको लिखना चाहें, किस बारे में आप जानते हैं, किस बारे में आप पैशनेट है, उसके बारे में आप लिखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, दैट इज ए कॉल्ड अ कंटेंट। तो कंटेंट आपको लिखना है जो भी आपका नीड है, जो आपका पैशन है, जिसके प्रति आप इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो फूड ब्लॉगिंग हो सकता है, चाहे वो टेक्निकल रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो फैशन के रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहें, जो आपका पैशन है उसके अंदर आपको ब्लॉग को लिखना है। ब्लॉग लिखते हैं तो ब्लॉग को आपको सेटअप करना है कंटेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप ब्लॉग को फर्स्ट सेक्शन में भी सेटअप कर देना है। उसके बाद आपको कंटेंट जो भी लिखना है वो कंटेंट मिनिमम जो कैरेक्टर होना चाहिए वो आपके नीड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, बट मेरी सजेशन फिर भी रहेगा मिनिमम आप कोशिश करिए कि 800 से लेके 2000 वर्ड कैरेक्टर का रखिए। अगर मिनिमम 800 भी रखते हैं तो चलेगा, बहुत अच्छा है। अगर 2000 का वर्ड कैपेसिटी अगर आप एक ब्लॉग के अंदर, एक सिंगल ब्लॉग के अंदर अगर आप पोस्ट करते हैं इमेजेस के साथ, या अगर आपके पास कुछ वीडियोस है जो आप रिलेवेंट रेगुलर वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के अंदर, उस वीडियोस को भी अगर आप ब्लॉग के अंदर लिंक अप करते हैं तो और बेटर तरीके से आपकी ब्लॉग को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे मेन बात ध्यान रखिए सेकंड पॉइंट के अंदर, अगर आपको ब्लॉग के थ्रू ग्रो होना है, आगे बढ़ना है, आपका जो भी नीश हो, जो भी पैशन हो, आप जिसको फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर आपकी कंटेंट जो होगा वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब किसी और वेबसाइट, किसी और कॉम्पिटिटर के अंदर जो आप वेबसाइट के अंदर, ब्लॉग के अंदर देखते हैं कंटेंट, उस कंटेंट को कॉपी करके आपकी वेबसाइट में पेस्ट मत करिए, मतलब आपकी ब्लॉग के अंदर पेस्ट मत करिए। इससे क्या होगा, वो यूनिक नहीं होगा। आप खुद जो पैशनेट है, जो रिलेटेड आपका जो नीश है, उस नीश के
अकॉर्डिंग खुद बैठ के खुद आर्टिकल लिखिए, खुद कंटेंट लिखिए टेक्स्ट फॉर्मेट में, और उसी कंटेंट को आपके ब्लॉग के थ्रू पब्लिश करिए, तभी आगे आप ग्रो हो सकते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड सिचुएशन में आपको क्या करना है। थर्ड पार्ट में आपको अगर चाहते हैं कि आपकी ब्लॉग को मोनेटाइज करना और उसके थ्रू पैसा कमाना, तो एटलीस्ट आप रेगुलर बेसिस पे वीकली एक ब्लॉग तो मिनिमम पोस्ट करिए, अगर पॉसिबल होगा तो वीकली ट्वाइस आप ब्लॉग पोस्ट करिए, और आगे आप एटलीस्ट 6 महीना से 1 साल टाइम दीजिए। मिनिमम 1 साल का अगर आप टाइम देते हैं, या मिनिमम से मिनिमम 6 महीने के अगर आप टाइम देते हैं और उसको रेगुलरली काम करते हैं, ग्रो करते हैं आपकी ब्लॉग को, बहुत सारे आर्टिकल पोस्ट करते हैं और धीरे धीरे उसको आप मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं एनालिटिक के थ्रू, गूगल एनालिटिक के थ्रू, तो आपको क्या होगा, आने वाले टाइम पे आपको अगर गूगल एडसेंस के साथ अगर आपको मोनेटाइज करना है, आपकी ब्लॉग के ऊपर ऐड चलाना है, तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। थोड़ा ब्लॉग को 6 महीने से लेके 1 साल तक पुराना करिए और उसमें बहुत सारा मेहनत करिए, काम करिए, उसके बारे में सीखिए और करिए। अगर आपको नॉलेज कम है कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी इस YouTube चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं। हम रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग के रिलेटेड, वेबसाइट के रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड और भी कंटेंट बना रहे हैं और बनाते, बहुत सारे बना चुके हैं, तो आप उन कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं, वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे आप अपने स्किल को और मास्टराइज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं ब्लॉग के अंदर और ब्लॉग को आप मोनेटाइज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते कि नहीं दूसरे YouTube चैनल से भी आर्टिकल पढ़ के, वीडियोस देख के आपको सीखना है, तो आप बेशक आप और भी YouTube चैनल को एक्सप्लोर करिए, ब्लॉग के रिगार्डिंग आर्टिकल पढ़िए गूगल के अंदर ब्लॉग के रिगार्डिंग, और अपने आप को एक्सपर्ट करिए, सीखिए, मास्टर बनिए ब्लॉग के अंदर, तभी जाके आप मोनेटाइज कर सकते हैं अपने बेटर तरीके से अपने ब्लॉग को, और आगे ग्रो कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इंप्लीमेंट कर करके, इंप्लीमेंट करते रहिए और आगे सीखते रहिए और एक्सप्लोर करिए अपने स्किल्स को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कुछ ब्लॉग के रिगार्डिंग सीखा है, अब मैं आप लोग को एक सजेशन दे देता हूँ। ये था ब्लॉग की जो है, मैंने प्रैक्टिकल वीडियोज नहीं बनाए, ये थ्योरीज वीडियोज है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दिया है। अगर आप चाहते हैं ब्लॉग के रिलेटेड कैसे ब्लॉग को इंस्टॉल करें, मतलब कैसे आपको प्लगइन के अंदर वेबसाइट होस्टिंग क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ब्लॉग को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ब्लॉग के अंदर डिजाइन करना है, डेवलप करके आपको ब्लॉग का आर्टिकल पब्लिश करना है, इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल वीडियोस ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे बना के रखा है। इस आई बटन में आप फॉलो कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पे मैं वीडियोस लगा दूंगा, जहां पे आप आराम से उन वीडियोस को क्लिक करके भी ब्लॉग के रिगार्डिंग कैसे ब्लॉग को प्रैक्टिकली तरीके से, टेक्निकल तरीके से आपको ब्लॉग पे इंस्टॉल करके आगे ग्रो करना है, यहां पे आपके सामने जो वीडियोस आएगा एंड में, उस वीडियोस को देखिए और सीखिए और इंप्लीमेंट करिए। तो दोस्तों ये था कुछ इन्फॉर्मेशन ब्लॉग के रिगार्डिंग, आपको ये वीडियो से क्या सीख मिला है जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिले और आप चाहते हैं कि अपने अपनों के साथ, फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।